आज का जो मेन टॉपिक है वो है आजाद वीजा, सऊदी अरब जाने के लिए आजाद वीजा क्या है, क्या हैसियत रखता है और उसमें आपके लिए क्या चांसेस है, क्या रिस्क है। इसको मैं ज्यादा से चाहूंगा कि आप शेयर करें, ज्यादा से लोगों को समझाएं कि आजाद वीजा का कॉन्सेप्ट बेसिकली क्या है। पहली बात तो है कि आजाद वीजा नाम का कोई वीजा नहीं होता। आजाद वीजा समझो, आजाद वीजा वो होता है जो कफील अपने भरोसे कफी अपने एम्प्लॉय को छोड़ता है या उसकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर कोई काम वाम होता है। अब मैं ये कहता हूँ कि जब आप अपने मुल्क में रहते हो तो क्या आप किसी पे ट्रस्ट कर सकते हो? ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं होता। लेकिन यहाँ पे आप आते हो तो कफील, आजाद कफील के नाम का जो कॉन्सेप्ट है कि कफील है तो वो आपको हर चीज से सपोर्ट करेगा, लेकिन वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे होता है, वो लीगल नहीं है। आजाद वीजा कोई लीगल नहीं है, ये एजेंट बना के भेजते हैं। तो मैं चाहूंगा ज्यादा से ज्यादा उन लोगों के लिए ये मैसेज है, उन लोगों के लिए ज्यादा मैं वीडियो बना रहा हूँ जो आजाद वीजे के झांसे में आकर यहाँ पे आते हैं और फिर यहाँ पे काम नहीं मिलता है, यहाँ पे कफील तंग करता है। क्योंकि कफील को भी जाहिर सी बात है आपकी कफाला को बेयर करने के लिए बहुत सारी पेमेंट्स करनी होती है, गौसी है और बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं। अब वो क्योंकि आपको वीजा देता है जो कि गलत है, वीजा लोग बहुत महंगे महंगे वीजे लेकर आते हैं जो कि गलत है, अगर उसके पास प्रोजेक्ट है तो वो उस पर आपसे काम करवाएगा, ठीक है। और इसी तरह जो भी आपको कहता है आजाद वीजा है, काम आपको अपना करना है, अपना बिजनेस के नाम पे करें, तो बेसिकली ये गलत है, बिल्कुल गलत है। इनफैक्ट ये अब इसके बारे में तो बहुत ज्यादा सकती है कि आपके फील के नाम से नहीं, आप अपने नाम से बिजनेस करें, लेकिन उसके लिए आप साजिए का लाइसेंस, प्रॉपर लाइसेंस लेकर आके आप एज एन इन्वेस्टर यहाँ पर आए, आपके ऊपर उस वक्त कोई कफील नहीं होगा। लेकिन कफील के वीजे पे आके आप बोले कि मैं आजाद वीजे पे हूं तो वो आजाद नहीं, वो इलीगल वीजा है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा आप इस बात को फैलाएं, समझें कि आजाद वीजा सऊदी अरब में कोई हैसियत नहीं रखता। आजाद वीजा बल्कि और खतरनाक है कि आप बैठे हैं, कफील ने तो बुला लिया और अब आप काम ढूंढ रहे हैं, कभी नौकरी ढूंढ रहे हैं, कभी ऐसे जा रहे हैं, वो उसमें आपकी और फौरी होगी। तो ऐसे उसमें ऐसे मौके पर रुख ना करें। अभी भी लोग सऊदी अरब आ रहे हैं, ऐसा नहीं है, नहीं है, लेकिन वो प्रॉपर चैनल के थ्रू आ रहे हैं या इन्वेस्टर बन के आ रहे हैं, इन्वेस्टर के वीजे पे आ रहे हैं, या फिर वो मैन पावर कंपनी के थ्रू आ रहे हैं या उन उस कंपनीज के अंडर आ रहे हैं जिनके पास ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स ऑन गोइंग है। तो जाहिर सी बात है वो आपको सैलरी पे क्यों रखेगा जब उसके पास हर चीज है। हाँ, अगर आपके पास पैसा है और आप आजाद कफील ढूंढ रहे हैं कि बस कुछ परसेंटेज में ऐसे काम कर, ऐसा नहीं होता, वो ट्रस्ट की बात है। जिस तरह आप पाकिस्तान में अपने भाई के नाम जायदाद लेते हैं, आप अपने दोस्त के नाम गाड़ी खरीदते हैं या जो भी व्हाटएवर, तो उसमें वो ट्रस्ट होता है। वो अगर चीट कर जाए, आप हुकूमत को ब्लेम नहीं कर सकते, आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, आप वो क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि वो इनडायरेक्टली वो भले आपका पैसा हो लेकिन वो प्रॉपर्टी उसकी है, उसके खिलाफ आप नहीं जा सकते। तो सेम यही चीज इंप्लीमेंट होती है सऊदी अरब में। आप उनके नाम से अगर काम करें तो जाहिर सी बात है वो उनका बिजनेस है, आपका नाम कहीं पर भी नहीं है, आप एज एन एम्प्लॉय हैं, आपने वीजा खरीदा अपनी सहूलत की खातिर। तो भूल जाएं इस आजाद वीजे के कॉन्सेप्ट को। और इसका मैंने छोटा सा जो बताया मैसेज वो यही है कि जिस तरह आप अपने मुल्क में किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, वो इस तरह यहाँ पे भी ना करें। और अगर वहां किसी पर ट्रस्ट करते हैं, जाहिर सी बात है हर जगह बुरे नहीं होते लोग, अगर वहां पर आप ट्रस्ट कर रहे हैं तो इसी तरह भी यहाँ पे भी कुछ लोग इस तरह ट्रस्ट करते हैं और कुछ चल जाते हैं, कुछ फंस जाते हैं, किसी का फील फंसा देते हैं। अब इसमें यह बोलना कि नहीं 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 लॉस है, नहीं 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 गवर्नमेंट की तरफ से था, नहीं 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 सारे सऊदी ऐसे होते हैं, प्लीज ये ना करें, ये हर जगह होता है, हर जगह होता है, प्लीज इसको इस तरह क्रिटिसाइज ना करें। और दूसरी बात, आजाद वीजे पे आ करना आपने इन्हीं लोगों का दिमाग खराब किया है, आप लोगों ने किया है, ये नहीं थे ऐसे, लेकिन आप लोग आए इन्हीं के वीजे पे, आप कमा रहे हैं उनसे महंगी महंगी गाड़ियों में, आप घूम रहे मुल्कों में अपने आप घूम रहे, प्लॉट बना रहे, घर बना रहे, व्हाटएवर जो भी। तो जाहिर सी बात है एक बंदे को यार हमारे पास रहे कितना कमा रहे, ठीक है हमारे परसेंटेज लगे। अब कफीलों को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने उन पर सख्ती की और अब वो बहुत हद तक कंट्रोल में है, इसलिए आजाद वीजे का कॉन्सेप्ट यहाँ ऑलमोस्ट खत्म हो गया है और मजीद हो जाएगा। तो लिहाजा अभी किसी के झांसे में नहीं आना कि मैं आजाद वीजे पे आऊंगा, वहाँ काम ढूंढूंगा, ऐसा नहीं है। जॉब है, प्रपोजल ऑफर लेटर है, तो उनसे आप वीजे उनके थ्रू आए और बस यही यहाँ पे एक तरीका है, या आप इन्वेस्टर के तौर पर आए जिसके लिए आपको मोटा पैसा लगाना पड़ता है, ठीक है। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और ज्यादा से इसको फैलाएं आम लोगों को, जो बहुत सारे लोग अपना जेवर बेच के आते हैं, प्रॉपर्टी बेच कर आते हैं, ऐसे लोगों को आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो भेजें। बहुत बहुत शुक्रिया, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे, अल्लाह हाफिज़।